जिंदगी के अंदर मैं इस चीज का तो कायल हूं कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज इन ग्रे, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में एब्सोल्यूट डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो इट्स गुड, एब्सोल्यूट नॉट इज अ गुड गुड स्लोगन, और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ. बाकी ये है कि आप एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नॉट और एब्सोल्यूट यस करें, ये है बड़ा मसला. Can absolutely not and absolutely yes be done absolutely? That's a big question. तो जिन्होंने मुल्क चलाए, जिन्होंने घर चलाए हैं, रिश्ते चलाए हैं, इदारे चलाए हैं, सूबे चलाए हैं और मामलात किए हैं, हमें पता है कि चीज़ों को ही तब्दील होने में बहुत प्रोसेस हैं, बहुत सिलसिले हैं. लेकिन तब्दीली की बात करने से पहले मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है, खैर और शर को समझना बहुत ज़रूरी है, खैर और शर का मुआजना करना बहुत जरूरी है, खैर और खैर में से बड़ी खैर निकालना बड़ा इल्म है, शर के अंदर से फैसला करना कौन सा शर बड़ा है कौन सा शर छोटा है ये बड़ा इल्म है, कौन सा शर अकोमोडेट किया जा सकता है कि इस खैर को लेने के लिए बड़ा इल्म. तो एक मैं किताब पढ़ रहा था यही खैर शर के मुआजने के ऊपर, अरबी में किताब थी, बहुत हाई लेवल इंटेलेक्ट था वो. तो वो कहते थे लैस अल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैर मिन अल खैरैन, लैस अल आकिल वो अकलमंद नहीं है, अल्लज़ी यअलमुल खैर मिन अश्शर जो शर और खैर में से फ़र्क करके निकाले, ये अकल है मगर इतनी बड़ी अकल नहीं होगी कंपैरेटिवली. वलकिन अल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैर मिन अल खैरैन व शर मिन अश्शर, दो शर में से एक शर का इम्तियाज करना और दो खैर में से एक खैर का इख्तियार करना ये बड़ा इल्म है, इसके लिए आपको बड़े डायनामिक्स देखने पड़ते हैं. सुलह हुदैबिया के ऊपर एक फैसला कर सकते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा भी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया, जबकि एक वहां पर एक बड़ी एब्सोल्यूट पोजीशन ली जा सकती थी कि भाई हम उमरा करेंगे, हम तादाद में भी ज्यादा हैं, हम जंग के लिए भी तैयार हैं और हम आए भी हैं, अगर कुछ मरने को तो वैसे तैयार है, मरने को तो मुसलमान होता ही हुआ है जो हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत से आजाद होता है. तो बट ही वेंट फॉर ही टुक अनदर पाथ एज़ वेल ओवर देयर, मक्के में आपने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया. तो इट्स नॉट अबाउट के राइट नाउ आई एम मैं किसी एक पार्टी के साइड में या एक पार्टी, हमारा चीज़ों को देखने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है और वो जज्बातियात पे नहीं चल सकती, मल्टीपल जावियों से देखना चाहिए, मल्टीपल जावियों से. तो कभी कभी आपको बड़े एब्सोल्यूट डिसीजन लेने पड़ते हैं लेकिन फिर उस एब्सोल्यूट के बाद बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाएगी.